कोई भी खेल आप खेलें, कोई भी काम आप करें, पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करें, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, तभी आप तरक्की कर सकते हैं जिंदगी में। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे एक ग्राउंड है और आपको कोई कोचिंग करने के लिए है, एकेडमी बनी है, इकबाल साहब आपको सिखा रहे हैं क्रिकेट। हमारे टाइम में तो कोई हमें सिखाने वाला नहीं था, अपने आप ही सीखते थे, अपने आप ही खेलते थे, एक दूसरे से सीखते रहते थे। अखबार आगाम में दिखता था कि इकबाल का कोई शॉट अच्छा है तो हम उसे मारने की कोशिश करते थे, है ना। तो लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ईमानदारी, मेहनत, डिसिप्लिन, ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि पूरा फायदा उठाएंगे जो फैसिलिटी आपको मिली है, आई थिंक यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये जो स्पोर्ट होता है, कोई भी स्पोर्ट आप खेलते हैं, टीम स्पोर्ट खेलते हैं, खाली स्पोर्ट नहीं है, ये आपको जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ बताता है कि कैसे आप आगे जाएंगे, जब काम करेंगे, किसी कंपनी में काम करेंगे, अपना काम खोलेंगे, कैसे आप लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, कैसे लोगों के साथ मिलके चलते हैं, टीम एफर्ट क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, ये सारी बातें आपको जिंदगी का एक पार्ट पढ़ा रहे हैं। ये खाली एक खेल नहीं है कि आप मैदान में आए और खेल के चले गए। इससे जो सीखने को मिलता है वो बहुत ज़रूरी है, वो पूरी ज़िंदगी में काम आता है। हार को कैसे आप एक्सेप्ट करें, हर मैच तो आप जीत नहीं सकते, इसी तरह ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है कि हर काम आपकी मर्जी का नहीं होता है, कोई काम ऐसा भी होगा जो आपको अच्छा ना लगे। ये स्पोर्ट जो है वो आपको शिक्षा देता है कि कैसे आप, आपकी मर्जी का जो काम नहीं हो रहा उसको कैसे एक्सेप्ट करके भी आप खुश रहें और आगे बढ़ें। तो ये बहुत बड़ा काम है, और छोटी उम्र से आप लोग खेल रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत, ईमानदारी, डिसिप्लिन, ये तीन चीजें जरूर याद रखें। थैंक यू। देखिए, दीप गोयल साहब ने यहाँ पर बहुत बड़ा काम किया है। एक यहाँ पर इन्होंने अपनी कहना चाहिए क्लिनिक टाइप खोली है, मैं कह नहीं पा रहा हूँ कि, लेकिन वहाँ पर जो फैसिलिटीज है कि आप लोग जैसे दिल्ली में जाकर टेस्ट कराते थे और बहुत टाइम लगता था उसमें, उन्होंने सारा कुछ यहीं स्पेशलिस्ट बुला बुला के यहीं पर कराने लगे हैं, जिनको कोई भी परेशानी हो। अभी हमारे नीटू बाबू कह रहे थे कि पेट की प्रॉब्लम है इन्हें कुछ, और पंडित जी हमारे खड़े हुए तो ये दोनों ही अभी जिक्र कर रहे थे, तो मैंने कहा दीप गोयल ने यहाँ पे बहुत अच्छी चीज खोल दी है। वो मुझसे बताई नहीं जा रही, दीप गोयल जरा सा आप थोड़ा ये एक टेली मेडिसिन सेंटर खोला है जिसमें कि हमारे पास 100 से ज्यादा स्पेशलिस्ट हैं दिल्ली के बड़े अस्पतालों के, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो वहां पे आ सकते हैं, और वहां पे टेली मेडिसिन के द्वारा वो डॉक्टर से कनेक्ट करा दिया जाएगा और वीडियो कॉल में आपका वो इलाज कर सकते हैं। 80% के करीब ऐसा माना जाता है कि बीमारियों का इलाज टेली मेडिसिन से हो सकता है, आपको डॉक्टर के पास फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। और जो दवाइयां वो बताएंगे वो भी यहाँ हमने मुहैया कराई हैं, और जो बेसिक टेस्ट भी वो बताएंगे वो भी यहाँ हो सकते हैं। तो आपको किसी भी बड़ी बीमारी के लिए एकदम से भागने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिखा के डॉक्टर से सलाह करके अगर वो बीमारी ठीक हो जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आपको अगर जाना पड़ता है तो फिर जा सकते हैं। फ्री नहीं है, लेकिन जैसे डॉक्टर जो दिल्ली में आप जाते हो आज कोई 1500 से 2000 रुपए से कम नहीं लेता, यहाँ पे वो 700 रुपए में ही देख लेते हैं, तो वो ही एक फ्री नहीं है, क्योंकि फ्री चीज कोई भी चलती नहीं है लंबे टाइम तक भैया। आप एक बार आ जाएगा, कोई दो बार आएगा वो फिर आना बंद कर देगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं फरमान हैदर चैनल ट्रू के माध्यम से आपसे रूबरू हूँ। आज हमारे बीच हमारे अमरोहा की आन बान शान और हमारे अमरोहा का नाम रोशन जो पूरी दुनिया में कर रहे हैं, जो पहले गंगाराम में थे, अब उन्होंने अपना भी हॉस्पिटल लॉन्च कर दिया है, हमारे साथ दीप गोयल साहब हैं। मैं दीप जी से आज के दिन जो अभी सद्भावना अवार्ड समारोह हुआ था उसमें आप चीफ गेस्ट थे, आपको अमरोहा आकर कैसा महसूस होता जब आप क्रिकेट खेलते थे उस जमाने में और आज के जमाने में क्या फर्क लगता? अमरोहा आके तो यही महसूस होता है कि अपने घर वापस आ गए, और कोई फर्क नहीं महसूस होता मुझे, आज भी वही लगता है जैसे हम पहले थे आज वैसे ही हैं। क्रिकेट ग्राउंड पे जाते हैं तो बस मन में जो खिलाड़ी है वो वैसे ही महसूस होता है जैसे आज से 40 साल पहले महसूस होता था। डॉक्टर साहब, अमरोहा में पहले में और आप में आपको क्या फर्क लगता? ईमानदारी से मुझे कोई फर्क नहीं लगता, मुझे तो वही लगता है कि अमरोहा अपना वही है। अमरोहा की जो नई जनरेशन है, आपने उनका भी खेल देखा और
जो लड़के नए उभर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेहनत के साथ काम करें तो जरूर सफलता मिलेगी, चाहे वो खेल हो, चाहे पढ़ाई हो, या कोई भी प्रोफेशन हो। मेहनत और ईमानदारी, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अमरोहा के अंदर कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है कि जिसको अगर किसी को अटैक पड़ जाए या कोई फर्स्ट एड भी देनी हो, तो अभी तक अमरोहा के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो अमरोहा की आवाम की खिदमत कर सके। मैं आपसे एक ये अपने चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करूंगा कि आप इतने बड़े डॉक्टर हो गए हैं और आपका जो नाम हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में नाम है, तो आप एक ऐसा हॉस्पिटल अमरोहा में लॉन्च करवाएं जो अमरोहा की जो आसपास के अतराफ के लोग हैं जो फौरन दिल्ली भागते हैं या मुरादाबाद भागते हैं, उनको कुछ ऐसी फर्स्ट एड यहाँ मिल जाए जो कि बहुत ज़रूरी है, और वो उसमें काफ़ी लोगों की जान भी जाती है जो उनको फर्स्ट एड नहीं मिल पाती, और बहुत से जो डॉक्टर हैं यहाँ पर उन्हें यही नहीं पता चलता कि वो किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स और कुछ ऐसी एक हॉस्पिटल आप अमरोहा में लॉन्च करें जिससे अमरोहा की आवाम फ़ायदा उठाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस तरफ काम किया जाए, पर हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। अमरोहा में दिल्ली सुपर स्पेशलिटी टेली मेडिसिन सेंटर खोला है, जिसमें कि हम यहाँ बैठे ही दिल्ली के सारे स्पेशलिस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। पर जो आप कह रहे हैं कि एक अस्पताल होना चाहिए, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, और इस दिशा में हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हमारे न्यू फ्रेंड क्रिकेट क्लब के मैनेजर जनाब कौसर अब्बासी साहब भी आज हमारे स्कूल में, हमारे एकेडमी में आए हुए हैं। मैं कौसर अब्बासी साहब से जो आजकल का क्रिकेट का भविष्य है और जो पहले आप क्रिकेट खिलाते थे, उसमें क्या फ़र्क लगता? भाई, उस दौर की क्रिकेट में और आज के क्रिकेट में बहुत फ़र्क आ गया। पहले बढ़िया डिसिप्लिन था, लेकिन आज जो है वो बच्चे खेल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं किस तरह से खेलते हैं, हर बात पे लड़ाई हो रही है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन में रहें, बढ़िया क्रिकेट खेलें। और आज के हमारे मेहमान खुसूसी, मैं दीप गोयल साहब के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी जी, ये न सिर्फ अमरोहा बल्कि हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में जो है वो अमरोहा काम रोशन, नाम रोशन कर रहे हैं। मैं एक शेर के साथ इनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। किसी को हो ना सका इनके कद का अंदाजा, किसी को हो ना सका इनके कद का अंदाजा, ये आसमां है मगर सर झुका देते हैं। बेशक भाई गंगे। चलिए डॉक्टर साहब, एक शेर और मैं डॉक्टर साहब के को पेश करना चाहता हूँ। जहाँ रहेंगे वहीं रोशनी लुटाएंगे, जहाँ रहेंगे वहीं रोशनी लुटाएंगे, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। डॉक्टर साहब के ऐसे शख्स जाते हैं कि अमरोहा में हो, दिल्ली में हो, बंबई में हो, या दुनिया के किसी कोने में, लेकिन अमरोहा का नाम जो है, इनकी नाम का जो क्षमा है वो जल रही है और अमरोहा का नाम रोशन हो रहा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीप साहब। और अभी हमारे साथ डॉक्टर दीप गोयल और कौसर अब्बासी साहब थे। मैं आपसे फिर किसी ऐसी अमरोहा की जानी मानी शख्सियत से फिर मिलवाऊंगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।